मतलब तू तब से बोलता सरप्राइज देगा सरप्राइज देगा, ये सरप्राइज था। ओके गाइस, अभी हमारा जो कलर है वो लग चुका है। संस्कृत में एक नंबर। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बता देना। बाकी गाइस, आज की जो मेरी शुरुआत है सुबह की, वो हो रही है दवाइयों से, क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैं हीटर के सामने ही बैठा हूँ तो ऐसी ऑरेंज ऑरेंज सी लाइट आ रही है। अभी दवाइयाँ खा रहा हूँ इतनी सारी, मेरा जुकाम और खांसी मेरे को अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो पहले तो दवाई खा लेते हैं। देखो खांसी आई गई, पहले तो दवाई खा लेते हैं एंड उसके बाद मेरे को जाना है अपना हेयर कलर उतरवाने के लिए। एक तो मम्मी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया है, बिल्कुल मम्मी का रिएक्शन लेना हम लोग भूल गए थे वीडियो कॉल पर। लेकिन जब ना मैं घर पहुँचा तो मम्मी ने मेरे को साफ मना कर दिया था कि इसको उतरवा भाई पहले, तो मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड मैं सच बताऊं तो मुझे भी खुद से पसंद नहीं आ रहा अभी हेयर कलर देख के ना, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। तो बाकी ऊपर से ठीक है, साइड से बहुत अजीब सा लग रहा है, अभी पता नहीं चल रहा होगा। कभी कभी ये ब्लैक दिखते हैं, कभी वैसे हो जाते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो इसको हटाएंगे एंड अपना जो ओरिजिनल कलर है वही रखेंगे वापस। एंड फिलहाल के लिए वहीं पे जाना है मेरे को जल्दी जल्दी से, आज वो कंप्लीट करना है। पहले मैं दवाई खा लेता हूँ, दवाई खा के मैं सीधा निकलने वाला हूँ वहाँ के लिए। एंड उसके बाद ना सनी भी बोल रहा है कल से लेकर कि एक सरप्राइज है सरप्राइज, तो उसका सरप्राइज भी देखेंगे जरा क्या सरप्राइज देता है। बाकी आज का व्लॉग बहुत मजेदार होने वाला। और एक और चीज़ मेरे को आपको बोलनी थी, बहुत सारे लोग ना व्लॉग को स्किप कर करके देखते हैं, मतलब पूरा व्लॉग नहीं देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा व्लॉग देखा करो, आप लोग के लिए इतनी मेहनत से बनाते हैं तो पूरा व्लॉग देखा करो एंड बताया करो कि क्या कमी है, कि एक नहीं करना वो नहीं करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए मतलब बेस्ट ही दूँ और 10-15 मिनट का ही व्लॉग बनाऊँ, लेकिन आप लोगों को पसंद आना चाहिए। तो स्किप मत किया करो, पूरा व्लॉग देखा करो और कुछ गलत अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके बता दिया करो। बाकी अभी चलते हैं एंड देखते हैं क्या क्या होता है। ओके भाई लोग, हम लोग निकल रहे हैं इतने दिनों के बाद, अपनी फॉर्चुनर में हम लोग जाने वाले हैं। चलो भाई देख के थोड़ा सा लगना जाए। साहिल भाई, आपको इतने दिनों बाद गाड़ी में बैठ के कैसा लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, और फॉर्च्यूनर को चलाने का तो मजा ही कुछ और है। अभी चलते हैं जल्दी सनी को हेयर कट करवाना है। बहुत गिड़िया मारी है इन लोगों ने गाड़ी चलाई जब मैं नहीं था, पर इसके बाल देखो जरा क्या हो गए, इसके गंदा कर दिया था ना मैंने इसको, अभी इसके बाल हो गए। तो यहाँ से देखो, तो इसका भी हेयर कट करवाना है एंड उसका ये कोई सरप्राइज देने वाला है, कब से बोल रहा है सरप्राइज सरप्राइज, तो सरप्राइज भी लेंगे एंड चलते अभी एंड देखते क्या क्या होता है। गाइज, अभी हमारा जो कलर है वो लग चुका है एंड अब मेरे को बस वेट करना है, थोड़ी देर में हो जाएंगे अपने वापस पुराने जैसे बाल और फिर देखते कैसा लगता है। देखो भाई कैसी शाकला का मुंह वाली पेंसिल बन चुकी है मेरे सर पे। ओके गाइस, अभी हमारी कटिंग हो चुकी है एंड आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी पूरी अच्छे से कटिंग करा दी है एंड भैया के बाल भी हो चुके हैं, वापस हो चुके हैं ब्लैक एंड आगे से मैंने थोड़े थोड़े से हल्के करवाए ताकि मेरा ब्राउनिश लुक भी रहे, ब्राउनिश लुक पूरा रख रख करवाना था ना, है ना ब्राउनिश लुक भी। हाँ है, थोड़ी ब्राउन लग रहे हैं आगे के थोड़ा सा, बट ये साइड से पूरे ब्लैक करवा दिए, मतलब बाकी ब्लैक कर दिए बस थोड़े थोड़े से फ्रंट से, क्योंकि मेरे पहले भी ब्राउनिश ब्राउनिश थे बट अब थोड़े से ज्यादा रहेंगे थोड़ा अच्छा। नहीं मेरे को पता सच में ब्राउन बिल्कुल, मेरे को ना गाइस सर पे बाल कराना रंग करवाना इतना छपरी इतना घटिया लगता है ना, मेरे को टैटू बनवाना है, बट हाँ मेरे को टैटू बनवाना है बट ये काम मेरे को बहुत छपरी लगता है, फट जाएगी मेरी मेरी, मैं टैटू करूंगा इस जहाँ पर इस साइड करवाने वालों में अपने लिए छपरी के बोल रहे टैटू है यहाँ पे छपरी टैटू करवाते हैं, क्या बनवाएगा, दिल बनाएगा या क्या बनाएगा? दिल बनवाऊंगा, दिल रोज बनवाइयो रोज, नहीं मैं यहाँ पे बनवाने वाला हूँ गाइस 2+2 वाला है, किंग लिखवाइयो किंग और लोगो लगवाइयो किंग का, क्या बोलते क्राउन का पर नहीं गाइस मैं यहाँ पे 2+2 करवाने वाला हूँ और बहुत सही लगने वाला है। एंड क्या सरप्राइज देने वाला, सरप्राइज यहाँ इसी बात करना गाइस, एक सरप्राइज है तेरे लिए भी है पर मम्मी के लिए ज्यादा खतरनाक है, चल देखते हैं। बहुत तगड़ा सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज है कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे दीते मजे तो कुछ नहीं है बट हाँ वो बहुत तगड़ा सरप्राइज है, बहुत तगड़ा सरप्राइज है, मैं देखते हैं। तो अभी नहीं पहले जिम जाएगी उसके बाद ही देखेंगे, नहीं नहीं जिम से पहले ही, जिम से पहले चल ठीक है जिम से पहले ही करते हैं। ओके भाई लोग, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर एंड अब बताओ भाई क्या सरप्राइज है तेरा, जल्दी से कब से वेट करवा के रखा इसने व्लॉग में ही बताएगा, तो चलो व्लॉग अब स्टार्ट कर दिया, बता दे जल्दी से क्या सरप्राइज है। रुक जाओ भाई जल्दी बता, मेरे लिए कोई गिफ्ट विफ्ट है तो पहले ही बता दे भाई, कोई मस्त सा गिफ्ट होगा तो। पेपर याद है मेरे? क्या पेपर? जो पेपर थे मेरे पीछे, हाँ उसका रिजल्ट आ गया, जो तूने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है। यस यस, दिखा जरा, रुक जाओ एक मिनट, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ पहले बैक कैमरे से, मैं खुद देखता हूँ। चल भाई दिखा, तो ये मतलब तू तब से बोलता सरप्राइज देगा सरप्राइज देगा, ये सरप्राइज था? मैंने हाइट तो कर दिया वैसे, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छे नंबर आ गए कि भाई सरप्राइज दे रहा है अपने उसका है। दिखा दिखा जल्दी दिखा जल्दी दिखा जल्दी दिखा, देख भाई पता है हाइट कर दिया वैसे अपनी इंफॉर्मेशन, अच्छे से साफ करके लाया हूँ।
ये बीच वाली लाइन तेरे मार्क्स है, इंग्लिश में 3 मार्क्स, मैथ में 15, हिंदी में 22, साइंस में, संस्कृत में 1 नंबर। और ये साइंस में 2 नंबर है। जरूरी पेपर नहीं थे यार। तेरा सच में रिजल्ट है ये? देखना मेरा है यार, मैंने वो अपना, मैं तेरे को वो दिखाऊं बिना उसके ब्लर करे हुए, ये देख बिना ब्लर करे भी है मेरे पास पड़ा हुआ। तू तो मरने वाला है भाई, तू तो मतलब वो, ये तेरा सरप्राइज है। सरप्राइज है भाई, सही पता क्या, देख सीन इतने गंदे बॉक्स, 1 नंबर, 1 नंबर तेरा भाई संस्कृत में यार। भाई मम्मी का वेट कर ले तू, मम्मी अभी बाहर गई, जैसे मम्मी घर आ गई ना तू तो खत्म है भाई आज, ये तो गया भाई, मरने वाला है भाई तू तो, मैं जा रहा हूँ भाई। कहाँ जा रहा है तू भाई? 1 नंबर लाइक लिटरली एक नंबर भाई उसमें। पता क्या सुन भाई, खत्म जरूरी पेपर मम्मी का। गाइस मैं मम्मी को फोन कर लेता हूँ, पहले जल्दी से मम्मी को बुलाते हैं, जरूरी मम्मी बात करेंगे तुझसे भाई, मम्मी बात करेंगे, जरूरी पेपर नहीं थे। A few moments later. ओके भालू, तो अभी मम्मी भी घर पहुंच चुकी है एंड मम्मी के लिए सरप्राइज ऐसे नहीं रखा हुआ, मम्मी सरप्राइज आपके लिए। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। आपको याद है इसने एग्जाम का वो दिया, एग्जाम दिया था एक थोड़े दिन, कितने दिन पहले दिया था? 2-3 महीने, 2-3 महीने पहले एग्जाम कर दिया था इसने एक। कौन से वाला? अरे यार स्कूल से छोटा मोटा एग्जाम नहीं था यार, जो ऐसी था जिसमें मतलब ऐसी जो था जो उस... हाई स्कूल में हुआ था? नहीं, था एक जो ऐसी था, ऐसी था स्कूल में, उसका रिजल्ट आ गया इसका। खोल जरा फोन, खोल अपना। क्या आया हुआ रिजल्ट में? कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही आया होगा फेल फूल करके। फेल मैं आपके, आपको नंबर सुनाता हूँ मैं, ठीक है? इसके नंबर सुनाता हूँ मैं इसके, ठीक है? मैं सुनाऊँ? हाँ सुना ले। इंग्लिश में है 3 नंबर, इंग्लिश में 3, मैथ में 15, हिंदी में 22, सोशल साइंस में 11, साइंस में 8, संस्कृत में 1 नंबर और कंप्यूटर में कुछ 2 नंबर। कंप्यूटर भी है भाई, कंप्यूटर साइंस पता नहीं क्या, जो भी है इसमें, इसमें संस्कृत में 1 नंबर, इंग्लिश में 3 नंबर, इंग्लिश में 3 नंबर, मम्मी सिर्फ 3 नंबर, फेल सब में फेल। अरे मैं कर देता आराम से, मेरे को याद। तब क्यों नहीं किया तू? तो बड़ी 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 बातें मारता कि मैं तो फेल है, फेल फेल हो गया ये, फेल टेंथ में फेल हो जाएगा ये। मारो मारो और मारो, टेंथ में फेल होगा ये, फेल। ट्यूशन मैंने स्कूल में बात की थी, इसके प्रिंसिपल मैडम ने क्या बोला था? अरे तू चुप हो जा, ठीक है ना? ये साला खुद फेलियर मेरे को बोल रहा है भाई, अरे नहीं क्या कॉलेज आए, चुप चुप भाई मैं, अरे तो यार जरूरी नहीं था, जरूरी नहीं था, इस तरह से टेंथ में फेल हो जाएगा, टेंथ में क्या करेगा, बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएगा। ये दिनभर गेम खेलता है मम्मी, दिनभर गेम खेलता है, इसको बोलता हूं पढ़ ले, लेकिन पढ़ना ही नहीं है इसको, बस इसको तो दिनभर गेम खेलनी है। ओए मैम जा फेल हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इसको सारे एग्जाम खेल जाएगा, रिकॉर्ड भी करे मम्मी मेरी लग गई जो कुत्ता तो दो क्या। ओके भाई लोग, अभी सनी की जो पिटाई हुई है खतरनाक वाली, उसके बाद तो अब से पढ़ना शुरू कर देगा, पढ़ लियो भाई,
इसके फाइनल एग्जाम आने वाला है टेंथ के। मैं अच्छा हूं भाई पढ़ाई में यार, वो वाले पेपर जरूरी नहीं थे तब मैं पढ़ा नहीं उसके लिए भाई। गाइस कमेंट में, कमेंट में एक मिनट रुक जा, कमेंट में बोलो गाइस कि पढ़ ले थोड़ा सा, कमेंट में इसको बोलो कि पढ़ ले टेंथ के बोर्ड एग्जाम। कितने परसेंट तू बोल, कितने परसेंट लेके आऊं गाइस, आप लोग बताओ इसको कितने परसेंटेज लाने। अगर 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 आप लोग कमेंट करके बताओ जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक हुए, मतलब किसने बोला 50% है, 60% है, 70% जिसके लाइक पे सबसे ज्यादा कमेंट हुए, अगर तू उतने परसेंटेज लेके आएगा, कल के ब्लॉग में बताऊंगा कितने सबसे ज्यादा लाइक किसके कमेंट में, अगर तू उतने परसेंटेज लेकर आया ओके तो जो तू बोलेगा मैं तेरे वो खरीदूंगा। कुछ चीजें लेने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा है, जब से मैं आया हूँ तब से कुछ लिया नहीं, सन्नी को भी कुछ चीजें लानी है उसके लिए भी, तो चलते हैं एंड लेकर आते हैं कुछ बस चीजें। ओके वालों घर पहुंच गया था एंड घर पहुंचते ही मैंने जो है एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया सन्नी के लिए, आप लोग जाके देख लेना इसके चैनल पे ASR में, जिसको नहीं पता है ASR में सर्च करके देख लेना, गेम प्ले वीडियो हमारी वही आएगी। 8 मिलियन होने वाले मेरे भाई, 8 मिलियन अभी तो 7.2 है, बहुत टाइम लगेगा, बट आप लोग जाके इसको सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको गेम प्ले वीडियो चाहिए हमारी फ्री फायर कोई भी गेम की, तो आप लोग जाके देख सकते हो, ASR में सर्च कर लेना, और बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया भी होगा। बाकी नहीं, अगर नहीं भी मिले फिर भी मेरे चैनल के जो चैनल्स में आता है ना, चैनल सेक्शन होता है, अबाउट सेक्शन होता है चैनल, वहाँ पर सारे हमारे जो चैनल है वो आ जाएंगे, वहाँ पे ASR भी आपको ऐसे सर्च करके भी मिल जाएगा। बाकी गाइस अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। तो भाई लोग आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया, वहाँ पर भी बहुत सारा कॉन्टेंट आता रहता है, तो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फॉलो कर दो, वहाँ पर स्टोरी पर मैं सारे अपडेट दे देता हूँ और पोस्ट और रील्स वगैरह भी आती रहती है, तो जाके मुझे फॉलो कर देना। एंड कल का जो व्लॉग है वो भी बहुत स्पेशल होने वाला है, सुबह 10 बजे डेली अब से व्लॉग्स आ रहे हैं, हमारे 2 व्लॉग्स तो आ रहे हैं, तीसरा व्लॉग भी सुबह 10 बजे आ जाएगा, डेली 10 बजे आएंगे, और कल का व्लॉग भी बहुत मजेदार होने वाला है, तो कल का व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और मैं मिलता हूँ आप लोग को अब कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।